मैंने भी बताया कि कैसे ईडी ने झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के सारे फोन अपने पास रख के यह कहा कि मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़ दिया। मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के मेरा नाम चार्जशीट में शामिल करने का काम ईडी ने किया। और जब मैंने ईडी को नोटिस दिया तो बोले साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। इसका मतलब वो तमाम घटनाएं जो थी वो पूरी तरीके से सच थी, ये बात साबित होती है कल की घटना से। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं ये ईडी है, इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये ईडी है, इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, ईडी ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सीबीआई कह रही है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, 7 लोगों के साथ 5 करोड़ की रिश्वत। किस मामले में? दिल्ली शराब के तथाकथित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई, अमनदीप ढल के बाप से ली गई। ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है, यही कर रहा है ईडी पिछले एक साल से।